क्लास 12 के केमिस्ट्री में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग भी इसमें फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल से जुड़ जाइए और इसमें कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। जो टॉपिक है यहाँ से जो चलने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का, क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर, इसमें जो टॉपिक स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर कंटिन्यू समझिए एंड तक यूज़ होता रहेगा इस चैप्टर के एंड तक। तो यहाँ से एक अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल चीज़ स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल भी, डेरिवेशन भी और कॉन्सेप्ट भी। इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा और न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है। इसमें लॉज भी है और लॉज से डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड लॉज, डायरेक्ट लॉज आता है कि लॉज का स्टेटमेंट लिख करके एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्वेश्चन इसमें बहुत तरह के, क्वेश्चन का समझिए सोर्स यहाँ पे कलेक्शन है क्वेश्चन का, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इनसे भी क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर एक्चुअल में, वेपर एक्चुअल में है क्या, वेपर कोई भी स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, तो वो गैसियस फॉर्म उसका वेपर कहलाएगा, चाहे वो सॉलिड का हो चाहे वो लिक्विड का हो। सॉलिड में बहुत कम सॉलिड है, ऐसा कोई सा भी सॉलिड तो नहीं जिसमें परफेक्टली नॉन वोलेटाइल हो, जो उड़ने का टेंडेंसी नहीं रखता हो। ऑलमोस्ट सभी सॉलिड थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उड़ता है, उनका उड़ने का कंडीशन है, लेकिन उसका उड़ने का कंडीशन मतलब उड़ने का टेंडेंसी तो ना के बराबर, एकदम कम, तो उसको हम लोग मान करते हैं नॉन वोलेटाइल। कुछ सॉलिड गिना चुना है जिनके पास वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी मीन्स उड़ने का टेंडेंसी, वोलेटाइल नेचर शो करता है। उसी में से बहुत कॉमन है, घर में हम लोग यूज करते हैं कपूर, कपूर उड़ जाता है। तो इस तरह का जो अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, नेप्थालीन, ये सब तरह का जो मटेरियल, इस तरह का जो सब्सटेंस है, ये सब उड़ जाता है, लेकिन ये सब सॉलिड है, सॉलिड होने के बावजूद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रखेंगे उड़ गया, गायब हो गया। तो ये इनका गैसियस फॉर्म बना रहा है, वो गैसियस फॉर्म उनका वेपर कहलाएगा। तो ये जो टेंडेंसी उड़ने का उसको कहते हैं वोलेटाइल नेचर। और लिक्विड तो ऑलमोस्ट सभी लिक्विड वोलेटाइल नेचर होता ही है, और लिक्विड का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से बहुत कॉमन है, आप देखिएगा, मना किया जाता है पेट्रोल पंप में जाकर के कोई तरह का स्मोकिंग या आप इस तरह का जहाँ पे माचिस जलाना हो, मतलब फायर वाला चीज़ आप यूज ही नहीं कर सकते वहाँ पर, एकदम सख्त मना है। रीज़न उसके पीछे क्या, वो पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर होता है। पेट्रोल एक्चुअल में किससे बना होता है, हेक्सेन हेप्टेन का कंपोजिशन होता है, वो हेक्सेन और हेप्टेन, तो वो पेट्रोल होता है। तो वो जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर है, तुरंत उड़ जाता है, जब उनका मॉलिक्यूल्स उड़ता है तो सराउंडिंग में फैल जाएगा, और वो मॉलिक्यूल्स कम्बसिबल नेचर का है, जलता है, एल्केन्स आर कम्बसिबल, एल्केन्स जलने वाला सब्सटेंस होता है। तो पेट्रोल तो हेक्सेन और हेप्टेन से है, तो एल्केन्स वो जलेगा, तो वो सराउंडिंग में फैल जाएगा, उसका मॉलिक्यूल सराउंडिंग वेपर्स के फॉर्म फैल जाएगा, जहाँ पर भी आप उसको फायर देखेगा वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, आग लगा देगा। तो वही आग लगते 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 पूरे सराउंडिंग में फैल सकता है, फाइनली जहाँ पे पेट्रोल का टैंक है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पहले ही मना कर दिया गया है कि वहाँ पर आप किस तरह का फायर वाला चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आप पेट्रोल को ला कर रख दीजिए और देखिए उसको थोड़ा देर बाद, या एक दिन बाद आकर देखिए, या एक घंटे बाद आकर देखिए, आपको उसके क्वांटिटी में वेरिएशन मिल जाएगा। वहीं पर लिक्विड जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, ऐसा लिक्विड जो वाटर, वो वोलेटाइल है, लेकिन पेट्रोल के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वो भी उड़ता है। तो जो सब्सटेंस उड़ेगा वो वेपर बनाएगा, जो वेपर बनाएगा वो जब वेपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो जब वो ऊपर जाएगा उसका मॉलिक्यूल जाकर के हिट करेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन वेपर प्रेशर को मेजर करने का कंडीशन है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेजर किया जाता है। आप जैसे एक बार सोचिए, मान लीजिए एक इस कंटेनर में, इस कंटेनर में एट अ टाइम मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पर 6 मॉलिक्यूल, सबसे पहले कौन उड़ेगा, 6 सरफेस वाला मॉलिक्यूल, बॉटम वाला मॉलिक्यूल तो नहीं उड़ने वाले। तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल इसका उड़ गया, जब उड़ेगा तो जाके एक प्रेशर सेट करेगा, तो फिर अगला लेयर, नेक्स्ट लेयर में उड़ने का तैयार। तो पहले 6 यूनिट, 6 मॉलिक्यूल प्रेशर लगाया, फिर जाके 6 और उड़ के लगा दिया, 12 यूनिट प्रेशर लगाया, 12 मॉलिक्यूल इस कंटेनर के टॉप पर प्रेशर लगा रहे, फिर 6 और उड़ गया, 18 मॉलिक्यूल्स, 18 प्रेशर लगा रहे।
तो किस वाले प्रेशर को हम मानेंगे कि ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है? तो वहां पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव किया जाता है, उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन पे रख करके मेजर कर लिया जाता है कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन छोटे से मैं बता रहा एग्जांपल, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग टॉपिक से फिर डेविएट कर सकते हैं। जब ये उड़ता है, मान लीजिए 6 था पहले, फिर 12 हुआ, फिर 18 हुआ, उड़ते उड़ते सब जाके जमा हो जाएगा। और ये उड़ने के पीछे कारण क्या है? इसको फ्रीज में रख देंगे थोड़ी उड़ेगा। उड़ने के पीछे कारण है उस सराउंडिंग का एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशन का टेम्परेचर वहां पर कुछ है जिसके कारण वो उड़ रहा है। अब जब उड़ रहा है तो फाइनली यहां जाकर कि उड़ रहा है क्यों? क्योंकि गर्म जा रहा है, गर्म होने से उड़ने लग रहा है। उड़ करके जब यहाँ जा रहा है, कंटेनर में जाके बैठ जा रहा है, तो धीमे धीमे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो फिर नीचे गिरने लगेगा। ये जब मॉलिक्यूल इस तरीके से ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके ऊपर जाके जमा हो जाएगा, तो कुछ मॉलिक्यूल अभी भी ऊपर जाने के तैयार है और कुछ मॉलिक्यूल ठंडा हो चुका है तो नीचे आने के तैयार है। तो उड़ने का टेंडेंसी मीन्स वेपराइजेशन, ठंडा होकर वापस से लिक्विड बन रहा है मीन्स कंडेंसेशन। आप कॉमन चीज देखिए, घर में कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, दूध उबालते हैं, कॉमन लैंग्वेज में दूध हम लोग उबालते हैं, उसके ऊपर फिर ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन थोड़ा देर हटाइए, देखिए उससे देखिए बबल्स गिर रहे हैं। वो बबल्स एक्चुअल में क्या है? पहले वो गर्मी के कारण वेपराइज हुआ, वेपर बना, उस पर ढक्कन रख देते हैं। वो मॉलिक्यूल गर्म था, ये गर्म मॉलिक्यूल है, ये जब सड़ सड़ इसके कंटेनर पे जाके सड़ गया, कंटेनर पे जाके सड़ गया, तो ये अपना गर्मी, अपना हीट इस कंटेनर दे दिया, कंटेनर अपना गर्मी सराउंडिंग को दे दिया, दोनों ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वापस से लिक्विड बनना चाह रहा है, तो गर्म होने के कारण उड़ता है, ठंडा होने के कारण वापस से लिक्विड बन जाता है। तो ये दो अपोजिट प्रोसेस है, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, लिक्विड से वेपर बनना, वेपर से लिक्विड बनना। टू अपोजिट प्रोसेस जब सेम स्पीड से होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों का स्पीड जब सेम होगा, ऐसे कंडीशन में कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इक्वल प्रोसेस चल रहा है, 10 मॉलिक्यूल उड़ रहा है, 10 मॉलिक्यूल ठंडा हो रहा है, तो वेपर का क्वांटिटी फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए 100 वेपर्स था, 100 वेपर्स था, 100 वेपर प्रेशर लगा रहा है। अब 6 मॉलिक्यूल्स फिर उड़ा तुरंत, तो 6 मॉलिक्यूल उड़ा तो 106 हो गया, तो 106 का प्रेशर लग रहा है। लेकिन जैसे ही 6 मॉलिक्यूल उड़ रहा है, 6 मॉलिक्यूल ठंडा होकर वापस से नीचे जा रहा है, तो वापस से 100 मॉलिक्यूल हो गया। मीन्स 100 मॉलिक्यूल के द्वारा ही इस कंटेनर प्रेशर लगा है, मीन्स फिक्स क्वांटिटी के द्वारा प्रेशर लगा है। अब फिक्स क्वांटिटी के द्वारा प्रेशर लग रहा है तो फिक्स प्रेशर है, प्रेशर वाइज नहीं कर रहे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी कुछ प्रेशर लगेगा किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। ये एकदम मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये वेपर प्रेशर पता चल गया फिक्स होता है, तो हर लिक्विड का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर फिक्स होता है। हाँ, ये वेपर प्रेशर वैरी करेगा अगर आप टेम्परेचर वैरी करा दीजिएगा, तो टेम्परेचर वैरी करा दीजिएगा, वेपर प्रेशर वैरी कर जाएगा। कॉमन सा चीज़ है, एक लिक्विड उड़ रहा है बहुत धीमे धीमे, गर्म कर दीजिए बहुत तेजी में उड़ेगा, तो प्रेशर वहां पर बढ़ जाता है। क्योंकि उड़ने के पीछे कारण क्या है? उड़ने के पीछे कारण है मॉलिक्यूल्स का गर्म हो जाना, तो गर्म होगा तो उड़ेगा, इस तरीके से वो उड़ जाता है। अब ये जो प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को, इसका जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसके प्रेशर को नाम देते हैं, इसके प्रेशर को नाम देते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपर के द्वारा लगाया प्रेशर है। और इस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग पी से। और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट को 1 नंबर माने हैं, ये वेपर प्रेशर 1 का हो गया। और प्योर कंडीशन में सॉल्यूट है, तो प्योर कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर में जो डिग्री लगा रहे हैं उसको पढ़ेंगे नॉट, तो पूरे तरीके से हो गया P1 नॉट, मीन्स P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, प्योर दिस टाइप ऑफ लिक्विड। तो ये जो फेज बना, ये फेज कौन सा है? ये जो गैसियस फेज है इसको कहेंगे वेपर फेज, और ये क्या है? लिक्विड फेज। डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगा तो लिक्विड फेज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएगा, वेपर फेज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है। मान लीजिए इसका 1000 मॉलिक्यूल्स है लिक्विड फेज में, तो 1000 ही रहेगा जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा तब। और 100 मॉलिक्यूल प्रेशर अगर लगा रहा तो 100 ही रहेगा, दो मॉलिक्यूल उड़ेगा, दो मॉलिक्यूल ठंडा भी हो जाएगा, वापस से 1000 ही हो जाएगा, 1000 से 2 उड़ जाएगा,
998 बचेगा, वापस से दो ठंडा होकर यहाँ आ जाएगा, वापस से 1000 हो जाएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। तो दो अपोजिट प्रोसेस जो कर रहा है उनका क्वांटिटी फिक्स रहेगा। तो प्योर सॉल्यूट का, एक कंटेनर में प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर P1 है। उस तरीके से एक दूसरा लिक्विड है प्योर लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड प्योर लिक्विड को हम 2 मान लिए। अब मान लिए कि ये सॉल्वेंट है, तो कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन इसको सॉल्वेंट मान लिए, इसको सॉलिड मान लिए, और इसके पास भी कुछ ना कुछ उड़ने का टेंडेंसी है, और इसके उड़ने की टेंडेंसी को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये इतना उड़ना चाह रहे हैं, उड़ने का टेंडेंसी इसका ज्यादा है, इसका उड़ने टेंडेंसी कम है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उड़ने का टेंडेंसी, वोलेटिलिटी। पेट्रोल और वाटर, पेट्रोल का उड़ने टेंडेंसी ज्यादा, वाटर का उड़ने टेंडेंसी कम, इस तरीके समझिए। जिनका उड़ने टेंडेंसी ज्यादा है उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, जिनका उड़ने का टेंडेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और जब वो प्रेशर लगाएगा तो उसके प्रेशर को नाम दे दिया जाएगा, वही डायनामिक कंडीशन पे, फिक्स कंडीशन पे, उस कंडीशन पे जो प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर तो पी हो गया, सॉल्वेंट को 2 माने, प्योर है नॉट माननी। इस तरीके से हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट निकाल लिए, या इसको हम थोड़ा सा पिछले सब लेक्चर में सॉल्यूट इसको सॉल्वेंट 1 माने, तो चलिए सॉल्वेंट 1 मान लेते हैं, ये सॉल्वेंट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सॉल्यूट, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब इन दोनों को मिला दे, स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, वेपर प्रेशर कैसे स्टडी करनी, वेपर प्रेशर को पहले समझ लिए क्या है। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है, सॉल्यूशन जो बेस्ड है वो लिक्विड स्टेट पर बेस्ड है, लिक्विड का बिहेवियर पे बेस्ड है। लिक्विड में हम गैस मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। तो ये जब बना, ये जो लिक्विड का 3 आया, तो 3 तरह का इम्प्योर कंडीशन आया, तो एक लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, इन तीनों तरह के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन तीनों तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। लिक्विड में गैस मिक्स करना, उसका वेपर प्रेशर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गैस तो पहले से वेपर होता है, तो उसका कंडीशन नहीं पढ़ना। लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। एक लिक्विड ले लिए, उसका अपना प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर मान लीजिए कुछ है, उसमें दूसरा लिक्विड मिक्स कर दिए, अब उसके वेपर प्रेशर को क्या फर्क पड़ा, इस तरह का चीज हम पढ़ेंगे। इसमें मींस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाने पर वेपर प्रेशर क्या होगा वो पढ़ेंगे। लिक्विड लिए, पानी ले लिए, उसमें सॉल्ट डाल दिए, नमक डाल दिए, अब उस लिक्विड का, अब उस वाटर का वेपर प्रेशर को क्या फर्क पड़ेगा ये पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, दोनों को मिला दिए, दोनों का अपना प्योर कंडीशन में कुछ वेपर प्रेशर है, दोनों को जब मिला देंगे तो मिला देने से सॉल्यूशन बन गया, तो दोनों ही का स्टेट अभी लिक्विड ही है, और दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, दोनों वोलेटाइल नेचर है, दोनों अभी भी उड़ेगा, अभी भी दोनों उड़ेगा, और जब उड़ेगा एक प्रेशर लगाएगा, उसी तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल भी उड़ेगा, ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, लेकिन दोनों का प्रेशर जो प्योर कंडीशन में होगा वो इम्प्योर कंडीशन में नहीं होगा। प्योर कंडीशन में मान लीजिए एट टाइम 6 मॉलिक्यूल उड़ के लगा रहा था प्रेशर, अब सरफेस पर 6 मॉलिक्यूल नहीं है, अब सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो जब मॉलिक्यूल्स कम हो गया तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर चेंज कर जाएगा। तो ऐसे भी समझिए, किसी का प्योर कंडीशन में इम्प्योर कंडीशन प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, तो प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर इम्प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। प्योर कंडीशन में इसको माने थे P2 नॉट, अभी नॉट हटा दिए, P2 डिग्री जो लगाए थे वो हटा दिए, इसका प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर था P1 नॉट, अभी सिर्फ लिखेंगे P1, मींस P1 और P2 नॉट ये दोनों सेम नहीं है। इसमें ये कहलाएगा लिक्विड फेज, ये कहलाएगा वेपर फेज, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाए इक्वल टू, मान लीजिए इसका हम 20 ml लिए, इसका 10 ml लिए, सॉल्यूशन बन गया 30 ml, इस तरह का ये सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें एक और चीज,
सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो सरफेस पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, सरफेस पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा रख देते हैं क्योंकि सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा। पहले हम सॉल्वेंट उसको माने थे इसीलिए उसको रख देते। अब दूसरा देखिए, जब सॉल्यूशन बन गया है तो सॉल्यूशन अपने आप में यहां पर दो तरह का सॉल्यूशन बन गया है। एक तो बन गया लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड वन लिक्विड टू दोनों मिक्स करके एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब जब ऊपर देखें गैसियस फेज में तो गैसियस फेज में भी होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है और वो भी आपस में एक सॉल्यूशन है लेकिन वो गैसियस सॉल्यूशन है। वेपर वन का मॉलिक्यूल वेपर टू का मॉलिक्यूल दोनों गैस आपस में होमोजेनियसली मिक्स्ड है, वहां पर भी एक सॉल्यूशन बन चुका है, वो गैसियस सॉल्यूशन है। इस लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल का और सॉल्यूट के पार्टिकल का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, उस कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन में। इसका जो मोल फ्रैक्शन है इसको माने वन नंबर, इसका मोल फ्रैक्शन है वन और इसका मोल फ्रैक्शन है टू। इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स एन टू मोल्स हम लिए सॉल्यूट, एन वन मोल्स लिए सॉल्वेंट, जब दोनों को मिला दिए तो उनका अपना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो यहाँ पर है। अगर आप मोल फ्रैक्शन वाला क्लास नहीं देखे हो तो आप आई थिंक क्लास फोर पार्ट फोर में जाकर के आप इसमें देख सकते हो, चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगा, इस पे कंसंट्रेशन टॉपिक में ये चीज है। अब ये जो एक्चुअल में चीज है ये सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस लिए, वो लिक्विड सॉल्यूशन का बिहेवियर पता करने के लिए, इस लिक्विड सॉल्यूशन का बिहेवियर हमको पता करना है। अब क्या बिहेवियर पता करना है, देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बिहेवियर के बारे में बताने वाला रॉल्ट्स है। रॉल्ट्स का कहना है कि किसी भी लिक्विड कंपोनेंट के वेपर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर वो डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड का कितना मोल फ्रैक्शन है। मान लीजिए ब्लू वाला मॉलिक्यूल ज्यादा है तो फिर ब्लू वाला मॉलिक्यूल का प्रेशर भी ज्यादा होगा, रेड वाला मॉलिक्यूल का क्वांटिटी अगर कम कर देंगे तो रेड वाले के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा, मींस पी वन भी कम हो जाएगा। तो उसका कहना है कि जब हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को बनाएंगे तो किसी भी लिक्विड के कंपोनेंट के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे एट फिक्स टेम्परेचर पर। तो ये जो चीज है इसको बताने वाला रॉल्ट्स है, तो हम सबसे पहले यहां पर एक लिख देते हैं रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, रॉल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्ट्स लॉ ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रॉल्ट्स लॉ दो तरीके से होता है, एक फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए बताया, दूसरा फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए बताया। इसका कहना क्या है, जब दोनों ही मॉलिक्यूल उड़ रहा है तो दोनों का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाइएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, और अगर इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होता है पी वन नॉट के बराबर। और यहां करेंगे तो यहां होना चाहिए पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। इसको कंपेयर कर दीजिए, इस इक्वेशन को मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं, इस समय ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां ले लिए एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू जीरो है मींस एक्स वन इधर बढ़ रहा है। इसको कंपेयर करना है आपको इस इक्वेशन को, देखिए ग्राफ में छोटा सा बता रहे जल्दी से, एक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है,
तो पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन प्लस जीरो। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन चीज है, एक्स वैल्यू एक्स वन वेरिएबल है, ये वैल्यू करेगा तो ये वैल्यू करेगा, मीन्स एक्स वन वेरिएबल है और पी वन वेरिएबल है। और इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन होता है, एक्स और वाई। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जाएगा स्लोप, m स्लोप। अगर ये m का वैल्यू पॉजिटिव है ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, m का नेगेटिव है ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। कैसे बनता है इसका ग्राफ, देखिए ऐसे y एक्सिस रेडियन, y एक्सिस इधर, x एक्सिस इधर, c कहां मिलेगा, c y एक्सिस में कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे c है, जैसे यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल थ्री एक्स प्लस टू वन टू, तो c का वैल्यू टू यहां रखेंगे। अब m का वैल्यू मान लीजिए थ्री है, मीन्स पॉजिटिव है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे चलाइए एक जनरल ग्राफ, ग्राफ तो ड्रॉ हो सकता है, ये लाइन वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या थोड़ा सा ऐसे जा सकता है, वो वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा m पर स्लोप कितना है। लेकिन अगर मान लीजिए c जीरो है, c है ही नहीं, सिंपली सिर्फ लिखा वैसे y इज इक्वल टू थ्री एक्स, मीन्स प्लस में कितना है जीरो, मीन्स ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा। और m का वैल्यू थ्री पॉजिटिव है ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव होता ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे हम लोग p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x1, p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x1 को कंपेयर कर देंगे। तो देखिए वेरिएबल x है, x की जगह कौन दिख रहा है, x1, x एक्सिस में x1 ले ली। वेरिएबल y होता है, y की जगह कौन है, p1, वेरिएबल यहां हम p1 का ले लेंगे, p1 का ग्राफ लेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप सोचिए, अगर हम x1 का वैल्यू जीरो रखते हैं तो p1 कितना आने वाला है, जीरो। अगर हम x1 का वैल्यू जीरो रखते हैं तो p1 आने वाला है जीरो। अब जैसे जैसे x1 बढ़ाएंगे, x1 का वैल्यू बढ़ेगा तो p1 भी बढ़ेगा, तो p1 भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो कैसे, ऐसे नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे बढ़ेगा इस तरीके से। तो हम ये ग्राफ कंप्लीट करेंगे अभी, ये ग्राफ हम लोग ऐसे नहीं पढ़ना है, एक ही इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को मिला के पढ़ना है। तो एक इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से। हम लोग को जो ग्राफ पढ़ना है उसमें ग्राफ दो इक्वेशन को, एक तो ये वाला ग्राफ जो बनाए हैं, इधर वाई एक्सिस लिए वो हो गया सॉल्वेंट के लिए, और इधर जो वाई एक्सिस लेंगे वो हो जाएगा सॉल्यूट के लिए। एक और वाई एक्सिस ले लिए इस डायरेक्शन में, ये P2 का ग्राफ है, मीन सॉलिड का ग्राफ है। अब X1 का वैल्यू इधर बढ़ रहा है, X1 का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आप सॉल्यूशन क्लास किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि X1 प्लस X2 इसका वैल्यू 1 होता है। अगर X1 जीरो है तो फिर X2 कितना होना चाहिए, X2 का वैल्यू 1 होना चाहिए। किसी भी चीज का मिनिमम मोल फ्रैक्शन जीरो होगा, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 होगा, मीन्स x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, सॉरी क्या लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, 1। तो x1 यहां 0 है, यहां मान लीजिए 0.1 0.2 यहां मान 0.5 हो गया 0.6 0.9 फिर फाइनली कितना 1, x1 का वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगा। जब x1 यहां पर 1 आएगा तो आप बताइए x2 कितना आना चाहिए, x1 plus x2 कितना होता है 1, x1 का वैल्यू 1 है तो x2 का वैल्यू 0 आएगा। मींस ये वाला जो ग्राफ है वो x2 के लिए है, जहां पे x2 यहां पे ओरिजिन है। अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए हम लोग को पता है जैसे जैसे x1 का वैल्यू बढ़े, x1 इधर बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर इधर बढ़ना चाहिए, वेपर प्रेशर इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से वेपर प्रेशर बढ़ गया, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ P1 का। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, देखिए X1 इधर बढ़ रहा है, X2 इधर बढ़ रहा है, X2 इधर बढ़ना इसका मतलब उल्टा भी कह सकते, X2 इधर घट रहा है,
जब x1 0 है तो x2 कितना है? 1. x2 का वैल्यू 1 है. अब x2 अगर 1 रखेंगे तो p2 किसके बराबर हो जाएगा? p2 नॉट के. मान लेते हैं इस पॉइंट पर p2 नॉट कहीं यहां पर है, यहां पर कहीं p2 नॉट. जब x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 1 रखें तो p2 का वैल्यू आया p2 नॉट के बराबर. ये जो पॉइंट है इसको मान लिए p2 नॉट है. अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे x2, x2 के लिखे ना, 2 के लिखे, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 2 का ग्राफ क्या हो रहा है? घट रहा है. 2 का वैल्यू इधर बढ़ रहा है, x2 का वैल्यू घट रहा है. तो x2 का वैल्यू घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा. घटते 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 फाइनली x2 कितना हो गया? 0. जब x2 0 हो जाएगा तो p2 भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये जो पॉइंट हमको मिला है, ये जो पॉइंट है यहां पर, वो पॉइंट इसका है p2 ग्राफ का. हम p2 को ज्यादा ऊपर रखें, अगर ये यहां पर देखिए p2 is equal to p2 not है तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए? p1 is equal to p1 not. ये यहां पर ये p1 not का वैल्यू देखिए पहले ही मान के चलते कम है, p2 not का वैल्यू पहले मान के ज्यादा है, इसीलिए ग्राफ में ऐसा हो रहा है. अब जो मेन चीज है, ये सब तो ग्राफ का चीज हो गया, अब है सॉल्यूशन का स्टडी करना. देखिए जब सॉल्यूशन बना है तो इस कंटेनर पर टोटल कितना प्रेशर लग रहा है ये हमको निकालना है. इसके लिए हम क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में जाएंगे. ये जो मिक्सचर बना है वो कैसा है? गैसियस मिक्सचर. गैसियस मिक्सचर आपस में रिएक्ट कर रहा है कि नहीं रिएक्ट कर रहा है? तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है. और आपको याद करिए क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट में डाल्टन से एक लॉ दिया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. फॉर किसके लिए था वो? फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर. ऐसा गैसियस मिक्सचर जो रिएक्ट नहीं करता है. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के लिए नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, क्या बन जाता है? NH3. ऐसे मिक्सचर के लिए नहीं, जो गैसेस रिएक्ट नहीं करता उनके लिए. तो ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक तरीके से नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर बन गया. तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं. अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के लिए होता है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि अगर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर आप लीजिएगा तो नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर वो डिपेंड करेगा उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के. यही इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, दोनों के प्रेशर को जोड़ देंगे टोटल प्रेशर निकल जाएगा. ये बहुत सिंपल सी चीज है. ये मेरे पास ब्लैक मार्कर है, प्रेशर लगाया 1 यूनिट. ब्लू मार्कर है, प्रेशर लगाया 1 यूनिट. दोनों को मिला के प्रेशर लगा दिए, कितने यूनिट लग गया? 2 यूनिट का प्रेशर लग गया. ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, आप अकेले किसी चीज को धकेलिए पुश करो और दूसरा आदमी भी पुश कर रहा है, वो सामान नहीं धक रहा है, वो सामान मूव नहीं कर, दोनों आदमी मिलकर पुश किए, क्या होगा? मूव कर जाएगा. इसका क्या मतलब? दोनों का प्रेशर वहां पर ऐड हो गया. हम लोग दोनों आपस में लड़ झगड़े नहीं, लड़ झगड़ के एक एक यूनिट नहीं बन गए, दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर गए, रिएक्ट नहीं किए, दोनों अलग अलग प्रेशर लगाए एक ही चीज पर, दोनों का प्रेशर सम हुआ और वो बॉडी मूव कर गए. मीन्स जब दो चीज आपस में इंडिविजुअल अलग अलग रहता है, पार्शियल अपार्ट रहता है, तब दोनों के प्रेशर को सम करके टोटल प्रेशर निकाला जाता है. यही डाल्टन से कहना था कि गैसेज अगर नॉन रिएक्टिंग होगा तो ये चीज लगेगा. अब पी वन का वैल्यू आपको पता है, पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू का वैल्यू पता है, पी टू नॉट एक्स टू. तो पी टोटल इस तरीके से निकाला जा सकता है. और ये पी टोटल कहां पे मिलेगा आपको? तो पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर आपको यहां पर, टोटल वेपर प्रेशर ग्राफ कौन सा मिलेगा? पीटी ग्राफ का है. ये तो पी वन ग्राफ हो गया, ये पी टू ग्राफ हो गया. अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये जो ग्राफ होगा वो टोटल वेपर प्रेशर ग्राफ होगा. मीन्स पी वन प्लस पी टू ग्राफ होगा, ये टोटल वेपर प्रेशर ग्राफ होगा.
इस तरीके से हम टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ बता सकते हैं। अब एक और चीज देखिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x2 का वैल्यू 1 माइनस x1 होता है, ऐसा लिखा सकता है। तो इसको रिप्लेस करके एक और इक्वेशन आ सकता है इस तरीके से, p1 नॉट x1 ऐसे ही छोड़ दिए, p2 को p2 रहने दिए, x2 भी रहना दिए 1 माइनस x1, x2 की जगह रहती है 1 माइनस x1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्व करके कॉमन लेके जो इक्वेशन आने वाला है वो कुछ इस तरह का आएगा। इसको इनटू करेंगे, सॉरी p2 नॉट होगा, कहां x2 नॉट लगा दी, p2 नॉट इनटू 1, p2 नॉट इनटू x1, p2 नॉट x1 माइनस p2 नॉट x1 आएगा। देखिए इस तरह का चीज आएगा, p1 not x1 minus p2 not x1, final expression ये आएगा। अब p2 not into 1 इसको पहले लिख लिए, इसमें देखिए x1 कॉमन हो सकता है, तो हम final equation लिख रहे हैं। final equation क्या लिख रहे हैं, x1 कॉमन लेकर के, x1 कॉमन लेके लिखेंगे तो आएगा इस तरह की चीज, x1 कॉमन ले लिए, p1 not minus p2 not, तो p total का vapor pressure ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कुछ पोर्शंस था स्टेट्स डॉट्स लॉ के बारे में। इसमें एक और चीज बच गया है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज देख लेते हैं आज के आज, और यहाँ पे इस क्लास को ओवर कर देंगे, फिनिश कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज इसमें हम लोग पढ़े, वेपर प्रेशर क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। दूसरा चीज रॉल्स का क्या कहना है, रॉल्स का कहना है कि दो लिक्विड कंपोनेंट को अगर आपस में मिलाइएगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हर कंपोनेंट का अपना वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। अब मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है किस पे, मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, अगर मान लीजिए इसका हम n1 मोल्स लिए हैं, इसका n2 मोल्स लिए हैं, तो x1 कैसे निकलेगा, x1 के वैल्यू निकलेगा n1 बाय n2 n1 प्लस n2। अगर x1 का वैल्यू बढ़ रहा है मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 बढ़ रहा है, तब नंबर ऑफ मोल्स 1 बढ़ना मतलब 1 का पार्टिकल बढ़ जाना, 1 का पार्टिकल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली 1 का प्रेशर ज्यादा आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने का मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ना, मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब फाइनली वेपर प्रेशर बढ़ना। तो यही लॉस को समझ में आया, लॉग बना के दे दिया फिक्स टेम्परेचर पर। तो सॉल्वेंट का ये चीज होगा, सॉलिड का चीज होगा, और डाल्टन्स के इक्वेशन का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करके टोटल प्रेशर बता दिया कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा इस तरीके से। इसी चीज को ऐसे भी सकते थे, PT इज इक्वल टू, अगर x2 को रिप्लेस नहीं करते x1 को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस x2 से, तो इक्वेशन उल्टा जाता, जहां 2 है वहां 1 बन जाता, जहां 1 है वहां पर 2 बन जाता, नया इक्वेशन बन जाता। तो दोनों ही तरीके से इक्वेशन बन सकता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में देख लिए, इसको नोट करिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम मिलाएंगे, इसका जो स्टेटमेंट है आपको बुक में मिल जाएगा, और नहीं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप पीडीएफ भी वहाँ पर से ले सकते हैं। इसको नोट करिए और कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज देख करके ये टॉपिक को फिनिश कर। नो, इसमें एक टॉपिक बच गया हम लोगों का, रॉस लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट में इस तरह का अगर मिक्सचर बनाते हैं लिक्विड लिक्विड कंपोजिशन, तो वहाँ पे दो तरह का सॉल्यूशन बन जाता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में x1 x2 है, गैसियस फेज में जो कंसंट्रेशन होगा, गैसियस फेज में जो मिक्सचर बना है उसका भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग y1 y2 से। इसको मान लेते हैं रेड नंबर पार्टिकल 1 है, ये y1 मान लिए, इसको y2 मान लिए, y1 एंड y2 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले सॉल्वेंट है ना,
सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन वेपर फेज मिक्सचर। वेपर फेज का जो मिक्सचर है उसमें उसका दोनों का मोल फ्रैक्शन ये है। अब याद करें थोड़ा डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से एक एक्सप्रेशन आता था P1 is equals to x1 into Pt। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लास 9 में क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि उसके हिसाब से गैसियस का प्रेशर डिपेंड कर इक्वल पर होता है गैसियस के मोल फ्रैक्शन इनटू गैसियस का मोल फ्रैक्शन, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन नहीं। यहां पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है x1, यहां लिक्विड का मोल फ्रैक्शन यूज किया है। यहां x डाल्टन्स के टर्म में गैस का मोल फ्रैक्शन है, गैस का मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं y1 से इनटू Pt। अब ये मत समझिए P1 is equals to x1 into P1 not, ये मत समझ लीजिएगा। यहां x कुछ और है, लिक्विड का कंसंट्रेशन है, यहां x जो हम बात कर रहे हैं वो गैस का कंसंट्रेशन का। अभी हम हटा देंगे उसको, y से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसका कहना तो ये इस हिसाब से x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, P1 by Pt। यही चीज हम लोग को यहां बस पढ़ना है। डाल्टन्स फिर जो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस प्रेशर बराबर होगा उसके वेपर प्रेशर बाय टोटल प्रेशर के हिसाब से। एंड y2 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, p2 बाय pt। इससे P1 कितना आना चाहिए, Y1 into Pt। और P2 P2 कितना आना चाहिए, P2 आना चाहिए Y2 into total pressure। ये एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं हम लोग एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इन जनरल अगर जनरल बात करें तो यहां पर दो लिक्विड है, अगर तीन लिक्विड होता तो P3 इक्वल टू Y3 into Pt होता है। तो इन जनरल पी आई इज इक्वल टू वाई आई इंटू पी टी, जहां पर आई का वैल्यू, जहां पर आई का वैल्यू वन के बराबर होगा या वन से ज्यादा है, या ऐसे ले सकते हो जहां पर आई वन टू थ्री एंड सो। तो कितना कंपोनेंट को मिक्सचर मिला के बनाया जाए सॉल्यूशन उसके हिसाब से चीज डिपेंड करता है। एक तरीके से यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ गैसियस वेपर फेज भी हम लोग का फिनिश हुआ, बस इसमें ही फॉर्मूला देखना था और कुछ नहीं। इसको बड़े आराम से देख लीजिए, जितना भी चीज नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप, हम उस पर फिर से कोशिश करेंगे बता देने का। और जो लोग फर्दर कंटिन्यू स्टडी करना चाह रहे हैं चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसमें स्टडी करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, एग्जाम के लिए पूरे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओगे। और नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक वेपर प्रेशर का, नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन देखें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आज के लिए ही फिनिश और नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक सर। थैंक यू।